गाइस खेत से आने के बाद मैं ना सो गया था और गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह पापा का कॉल आया कि कहा कि खेत पर आ जा। तो गाइस चलो चलते हैं खेत पर, पहले खेत का काम करके आते हैं फिर देखेंगे। चलो गाइस चलते हैं खेत पर। गाइस हमारे खेत का रोड आ चुका है, यहाँ पर सड़क बनेगा अब अच्छे से। यहाँ पे बारिश होगा तो फिसलन नहीं होगा। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पीछे यहाँ पे सड़क बन रहा है और इस रोड पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब अगर रोड अच्छे से बन गया तो हम अच्छे से आ जा सकेंगे। फिर अच्छा होगा अगर रोड बन गया, वहाँ पे काम चल रहा है रोड का उधर, तो गाइस बन जाए बस। चलो गाइस चलते खेत पर। हमारा कोशिका ही खड़ा है, वो भी आया खेत पर, वो हाथ दिखा रहा है उधर। तो मैं खेत पर पहुंच चुका हूं, तो पापा अभी घर गए हैं, घर से और भी खाद लाने गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर खाद रख कर चले गए। तो चलो चलते हैं हम आगे की तरफ। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हमारे खेत के सरसों, तो वैसे देख सकते कितने बड़े हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं। आप देख सकते बीच बीच में मर गए हमारे खेत के कुछ सरसों, वहाँ पर भी थोड़े हैं, इधर भी थोड़े मर गए, उधर भी थोड़े मर गए। तो गाइस पूरे खेत में कभी यहाँ पे किसी पर फूल नहीं आया, तो इस पर आया गाइस फूल। तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फूल अच्छा लग रहा है। एक पर ही आया सिर्फ फूल एक। जब तक पापा आते हैं खेत पर तब तक मैं यहीं पर खेत पर घूमता रहता हूँ। देख सकते हो वहाँ पर है कौशिक, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ पे काम कर रहा है अपने पापा के साथ, चाचा जी के साथ। पापा आ चुके खेत पर, मेरे को भी काम मिल चुका है। तो भाई चलो चलते हैं। हवा चल रही है कितना ठंडा ठंडा। मुझे ये उठाना है, यहाँ पे देख सकते हो आप पत्ते गिरे हुए हैं खेत के साइड से, पूरे पेड़ से यहाँ से पत्ते गिरे हुए हैं देख सकते हो आप। तो मुझे ये उठाना है पूरा आगे तक उठाना है। तो इसको जल्दी से जल्दी करते हैं और चलते हैं घर। चलो इस पहले काम कर लेते हैं। तो गाइस काम हो चुका है ख़त्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा साफ कर दिया मैंने पत्ता वत्ता। चलो चलते हैं, अगर कोई काम होगा तो पापा ने अगर कहा कोई और काम है तो कर लेंगे, नहीं तो चलेंगे घर। तो चलते हैं घर की तरह, और कोई काम नहीं है खेत में, जो काम था वो हो चुका है। तो अब चलते हैं घर, खाद भी देना हो गया, खाद हो गया ख़त्म यहाँ पर। चलो चलते हैं घर। हाँ तो इधर आ। और ये कहाँ पे घुस रहा है? आ जा। भाई जी आ रहा है देखो मेरे पास, आ जा। ये दोनों आ गए। तो गाइस खेत से आने के बाद मैं ना सो गया था और खेत से आने के बाद मैं ना सो गया था तो नहाने के बाद मैंने सोचा कि ब्लॉग करेंगे दोपहर को, तो ब्लॉग तो नहीं हो पाया, तो गाइस शाम को भी करेंगे ब्लॉग। तो गाइस अभी शाम को हम हमारे छत पर है, तो चलो चलते हैं कुछ अभी ना कुछ बनाएंगे हम। गाइस आपको दिखाते हैं हम क्या बनाएंगे, चलो पहले उसको लेके आते हैं। चलो गाइस चलते हैं, पहले उसको लेके आते फिर बनाएंगे, फिर बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। चलो तो गाइस अभी शाम का वक्त है तो बहुत ठंड है, तो मुझे भी जैकेट डालना पड़ेगा, ठंड है बहुत है। तो गाइस आपको दिखाते हैं हमारे गाँव का मौसम, ये देखिए शाम का मौसम और यहाँ पे बादल भी हुए आप देख सकते हैं, बादल भी है, बारिश भी हो सकता है। बारिश हुआ था दो दिन पहले, यहाँ पे बारिश हुआ था। तो गाइस चलो चलते हैं, जैकेट डाल लेते हैं फिर चलते हैं दुकान से सामान लेके आते। तो गाइस मैंने जैकेट डाल लिया, तो चलो चलते हैं लेके आते दुकान से मैक्रोनी, फिर खाएंगे उसको बना के आपको दिखाएंगे।
बने नहीं बड़ी बड़ी बन से। सो गाइस हमारा मैक्रोनी बन के रेडी हो चुका है और ये भुक्कड़ खाने के लिए रेडी, हम भी रेडी। चलो गाइस खाते इसे। तो गाइस ये देखो वेनम देख रहा है, वेनम मूवी। तो गाइस हम रात को आए थे छत पर, चलो अब चलते नीचे। गाँव में अभी लाइट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा अंधेरा हो चुका है सब जगह। तो आप देखते सब जगह अंधेरा है, ये सिर्फ अंधेरे में चमक रहा है। अरे क्या दिखा रहा है। इस ब्लॉग पे करते ही पर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।